हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार इन 1917। महात्मा गांधी चंपारण में ट्रेवल करने क्यों जाते हैं 1917 में? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है CBSE टर्म सेकेंड में 2022 ईयर का क्वेश्चन है। द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी अकर्ड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ईयर 1917। जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट था वो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन 1917 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी ने इस मूवमेंट को इसलिए स्टार्ट किया था ताकि वो जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, उनको इंस्पायर कर सके, उनको लड़ने के लिए उत्साहित कर सके कि ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स द्वारा बैठाया गया है उसको वो मानने को राजी नहीं है, इसीलिए चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ वाज द साइमन कमीशन ग्रीटेड इन इंडिया इन 1928। साइमन कमीशन को इंडिया से कैसे भगाया गया 1928 में? द साइमन कमीशन अराइव्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1928 टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसे गो बैक साइमन का स्लोगन दे के लोगों ने भगा दिया। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशन, और इसके विद्रोह में इन दोनों ने आवाज़ उठाई थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, और इसमें जितनी भी पार्टी थी सब ने इसका सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द ग्यूडन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन अर्ली 1920s। इन द ग्यूडन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपुल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। 1920s के टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश में, उसने लोगों को रोक दिया फॉरेस्ट में जाने से, उनके जो भी जानवर होते हैं उनको चराने से भी रोक दिया, और फ्यूल कलेक्ट करने से भी रोक दिया, फ्रूट कलेक्ट करने से भी रोक दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन एनी टू कॉज दैट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें कोई दो रीजन्स आपको बताने हैं जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ था। फॉलोइंग वर द टू कॉजेज दैट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फेलियर ऑफ द साइमन कमीशन। द साइमन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, बट द कमीशन फेल्ड टू सेटिस्फाई द इंडियन पीपल एंड द लीडर्स। ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशन। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वॉयस राय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929 अ वेज ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, बट इवन दिस फेल टू सेटिस्फाई द लीडर्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने का मेन रीज़न ये था कि जो साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स ने लाया था वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, हमारे लीडर्स को नहीं सेटिस्फाई कर पाए, हमारी जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी उसको नहीं सेटिस्फाई कर पाए, तो इसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और दूसरा रीज़न है रिजेक्शन ऑफ गांधीज 11 डिमांड, और दूसरा जो रीज़न है वो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के जो 11 डिमांड्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया था। ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी इन अ स्टेटमेंट पुट फॉरवर्ड 11 डिमांड टू करेक्ट द रॉन्ग डन टू द इंडियंस। ही एश्योर्ड द वायसराय दैट ही वुड विथड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ दिस डिमांड।
However, Gandhi's demand were declared be unrealistic by the Viceroy. और गांधी जी ने जो 11 डिमांड्स मांगे थे वहाँ के Viceroy से, ब्रिटिशर्स के Viceroy से, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया. और गांधी जी कहे थे कि अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विदड्रॉ कर लेंगे. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीबीएसई दिल्ली टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड सेट फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेंशन एनी टू कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. टू कॉजेज दैट लेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज टैक्सेस. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो उसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स ब्रिटिशर्स लेने लगे थे इंडियन से. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर फेमाइन एंड एपिडेमिक अफेक्टेड द पीपुल बैडली. दिस आउटरेज द पीपुल. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जबरी लोगों को आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा था, इसलिए स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और दूसरा पॉइंट जो है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अ रिएक्शन टू द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट सच एज रॉलेट एक्ट और एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर. रॉलेट एक्ट, इसको वापस भेजने के लिए ये ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट लगा दिया था, इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी को स्टार्ट करना पड़ा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेंशन द व्हिप ऑफ द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. फिक्की का जो व्हिप था नेशनलिज्म पर और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट पर, उसको आपको एक्सप्लेन करना है. फिक्की वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स. तो उसको जो फॉरेन इम्पोर्ट जो चीज़ें इम्पोर्ट करवाता था फिक्की, उसके ऊपर इसको प्रोटेक्शन चाहिए था. और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज मतलब वो रुपीज़ को ईजली एक्सचेंज कर सके फॉरेन में, वो इसकी मांग थी. फिक्की सपोर्टेड द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट क्रिटिसाइजिंग द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी. फिक्की बिलीव्ड दैट द फोर्स ऑफ द मूवमेंट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड एंड कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस. फिक्की का मेन मकसद ये था सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने का, कि उसके ऊपर से जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है बिजनेस पर, उसको हटा दिया जाए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेम द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज. हिंद स्वराज के राइटर का नाम बताना है. महात्मा गांधी जी ने लिखा था हिंद स्वराज बुक को. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. व्हाट इज मीन्ड बाय सत्याग्रह. सत्याग्रह इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट द ऑपरेशन. सत्याग्रह विद्रोह करने का मतलब अपोज करने का नॉन वायलेंट मेथड है, कि लड़ाई झगड़ा हम नहीं करेंगे लेकिन हम आपका अपोज करेंगे. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ. क्वेश्चन नंबर 9 है. नेम द राइटर ऑफ द नोवेल आनंद मठ. द ऑथर ऑफ दिस नोवेल इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 10 है. हु ऑर्गेनाइज द दलित इंटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इंटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. थैंक्स फॉर वॉचिंग.